What's up beautiful people, it's your girl Div and I'm back with a new video. आज की इस वीडियो में आप लोगों को 2024 की ईयर प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ. तो ये मेरी ब्लैक डायरी जिसमें मेरी ए टू जी सारी की सारी प्रेडिक्शन हैं या जो भी मतलब मुझे स्पिरिट्स का मैसेज आता है वो सब इस डायरी में है. तो ये मैंने लिख लिया है एंड इसको थोड़ा बताती हूँ कि नेक्स्ट ईयर कैसा जाने वाला है. तो पहले तो मैं बता दूँ 2024 बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा. एंड ये एक ऐसा ईयर है जो बहुत लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को मजबूर कर देगा. तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें पहला मैसेज मुझे मिला कि शॉर्ट पीरियड डिस्टर्बेंस. बोले तो इस साल जो नेक्स्ट ईयर है 2024 में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस आएंगी जो कम समय के लिए होंगी, लेकिन वो ऐसे होंगे जो आपको कंफर्ट जोन से या फिर शायद घर से भी मूव करने के लिए मजबूर कर देंगे. तो एक तो ये हो गया एंड फाइनेंस का लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट जिसमें हाँ, एक तो आप लोगों को बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े में बिल्कुल मत फंसना नेक्स्ट ईयर किसी भी हालत में, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है नेक्स्ट ईयर के लिए जो मुझे वाइब्स आई हैं. पहले मैं आपको फाइनेंस के बारे में बताती हूँ कैसा रहेगा नेक्स्ट ईयर. बहुत अच्छा रहने वाला है, अप्रैल तक बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा. बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा. जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे वो बहुत ही आगे बढ़ेगा एंड इस बिजनेस के लिए जो भी एक्शंस लेंगे वो सारे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे. तो फाइनेंस के लिए तो बहुत अप्रैल तक अच्छा ईयर है एंड अप्रैल तक बहुत अच्छा रहेगा एंड देन उसके बाद सितंबर के बाद एंड बीच में थोड़ा नीचे जा सकता है, बट जो भी आपको प्रॉफिट मिलना है वो अप्रैल तक बहुत ज़्यादा मिल जाएगा. ऐसा कोई भी आप एक्शन लेंगे ना मतलब लाइक अपनी फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, लाइक ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह का आप मॉनेटरी गेन करना चाहते हैं, तो अप्रैल तक आपका बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. इट्स अ साइन. एंड हेल्थ का बताऊँ तो बहुत चेंज आने वाला है नेक्स्ट ईयर हेल्थ को लेकर. कोशिश करना कि ओवर ना करो कोई भी चीज़. अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ना करें. अगर आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर आपको संडे को भी टाइम नहीं मिलता, ओवर ना करें बिल्कुल भी किसी भी तरह का. मेंटल हेल्थ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होगी ना वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको परेशान रख सकती है. अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे या किसी भी तरह का ओवर करेंगे ना तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा. तो कोशिश करें कि नेक्स्ट ईयर आप अपने आप को एकदम बैलेंस रखें, क्योंकि ईयर का जो अंक है वो है 8. तो 8 क्या होता है, इसको आप एज इन्फिनिटी भी देख सकते हो, एवरलास्टिंग यूनियन एंड बैलेंस देख सकते हो. तो आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो भी आप एक्शन लेंगे वो ओवर ना करें, हर चीज़ को बैलेंस में रखिएगा. एंड बहुत चेंज आने वाला है हेल्थ में नेक्स्ट ईयर. तो एंड जो भी चीज़ें हैं ना, आप लाइक कोई भी अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसको अपने डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए. हर चीज़ सही टाइम पे हो जाएगी. किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना कि अभी होनी चाहिए या उस टाइम तक हो जानी चाहिए. आप प्लान बनाइए, स्टिक टू द प्लान, बट ऐसा नहीं कि उस चीज़ को फोर्स किया जाए. तो चीज़ें अपने आप फॉल करेंगी. और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो ऐसे भी, हाँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही कॉमन है. तो कोशिश करिएगा कि आप अभी से, अभी हमारे पास एक महीना है फिर भी, तो कोशिश करें अभी से अपने आप को रिलैक्स रखें. नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो उसको बहुत ही प्यार से बहुत अच्छे से स्टार्ट करिएगा. एंड यस, एंजल्स हमारे साथ हैं. अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स पे क्या रहेगा. बहुत नए लिंक्स बनने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, बहुत ही ज़्यादा. बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होने वाली हैं. तो नए लोगों से मिलने के लिए रेडी रहिए. और सोल कनेक्शंस जो होते हैं ना, बहुत ही प्योर सोल कनेक्शंस, उनसे आपका मिलना हो सकता है. तो उन सब से मिलने के लिए रेडी रहिए. एंड जिन लोगों से जो कार्मिक लिंक्स ख़त्म हो चुके हैं उनसे कोशिश करिए आप उनके लिए दुआएं मांगें. एंड
मूव ऑन करें बहुत प्यार से उनसे। इस साल किसी से भी किसी भी तरह की लड़ाई में ना पड़े, किसी भी तरह की। तो यस, किसी एक तो लड़ाई में नहीं पड़ना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो होगा ना वो बहुत टाइम तक रहेगा। तो इस नेक्स्ट ईयर किसी से लड़ाई नहीं करने का, किसी से फाल लाइक होता है ना झगड़ा वगैरह, अगर कुछ हो भी रहा है तो अगर आपको लगता है कि कोई लड़ाई होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है, वहाँ से कट लीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि किसी नेगेटिव लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है जो बहुत आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, कोशिश करिएगा अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें रखें आप। और हाँ, तो बस रिलेशनशिप में एक ये वाला पॉइंट और है कि अगर आपने किसी भी तरह का गलत एक्शन लिया तो बहुत बुरा वाला भुगतना पड़ सकता है। एंड यस, अगर इस साल आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हो तो ये बहुत, या प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ईयर रहने वाला है। एक तो इन्फिनिटी का साइन है, मतलब 8 का अंक है, तो एवर लास्टिंग होगी जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आप आएंगे, बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही प्यारी रहेगी। एंड तो किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में आते हो बहुत ही अच्छा रहेगा, लकी रहेगी, जो भी आपका पार्टनर होगा आपके लिए बहुत लकी रहेगा। एंड यस, एवर लास्टिंग होगी, बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, अगर आप नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हो मैरिज के लिए, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा रहेगा। एंड अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, बोले तो करियर के बारे में। करियर में बहुत कुछ चेंज आने वाला है, बहुत 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 कुछ चेंज होने वाला है। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ईयर है, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिए। एंड हाँ, बिजनेस का आई थिंक मैंने बता दिया है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ही, मतलब ऐसा होगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इधर भी ब्रांचेस बन रही है, तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट ईयर बिजनेस के लिए, अच्छा है अगर आप स्टार्ट करते हो। और जो लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनका नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छा, लाइक आप डिवाइन फोर्सेस खुद आपका रास्ता बना देंगी, तो ज़्यादा किसी भी चीज़ को फोर्स ना करें, भगवान पे छोड़ दें, बहुत अच्छा रहेगा। एंड मतलब फेलियर्स तो इस बार आ नहीं रहा, जैसे 2022 की प्रेडिक्शन में बहुत लोगों का फेलियर भी बताया था, तो फेलियर तो वैसे लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ ईयर आपके साथ बहुत अच्छा वाला गेम खेल सकता है, लाइक टाइमिंग आपके साथ बहुत अच्छा वाला गेम खेल सकती है। अदरवाइज न्यूमरोलॉजी बताऊँ तो 2024 की कुछ ऐसे कि 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि हर चीज़ की डुअलिटी, पोलैरिटी, बैलेंस जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है। और आपने देखा होगा यूनिवर्स में हर चीज़ पेयर में आती है, लाइक चाहे वो जेंडर हो या फिर ऑपोजिट्स हों, तो ऐसा है। ये बहुत ही बैलेंस ईयर रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा, और एनर्जी भी बहुत अच्छी है। लाइक इस ये वीडियो मैं 1 महीने पहले बना रही हूँ, आज है 4 दिसंबर जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ, एंड आज बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मॉर्निंग से ही, एंड बहुत ही स्पिरिचुअल था, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना देते हैं। एंड ये बहुत ही, नेक्स्ट ईयर बहुत ही प्यारा, बहुत ही चुम्मा ईयर है, तो आप जो भी एक्शन लेंगे वो एक तो उस पर डाउट नहीं रखना, करना ही है, जो भी आप सोचोगे ना, जो भी आप प्लान कर रहे हो, तो इसमें अगर मैंने लिखा भी वो जो मैसेज आया ना मुझे, वो यही था कि स्टिक टू द प्लान। अगर आप अभी से कोई प्लान बना रहे हो तो नेक्स्ट ईयर एक्शंस लेना ही, और उसका आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ईयर है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, करियर के लिए बहुत अच्छा है, और रिलेशनशिप्स के लिए और हेल्थ के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगी कि इन दोनों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक तो हेल्थ पे किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करिएगा किसी भी तरह का, लाइक कोई भी काम हो उस पर ज़्यादा, लाइक होता है ना आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं लेने का। और डिस्टर्बेंस है नेक्स्ट ईयर, बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन वो ये कि आपको अपने एक्शंस अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा, कि कोई भी ऐसा एक्शन ना लें जो बहुत जिसका इम्पैक्ट बहुत ही आगे तक बहुत ही बुरा मिले,
तो अपने आप को बचाएगा, अपनी एनर्जी को बचाएगा नेक्स्ट ईयर. एंड जो लोग नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं ना, वो बहुत ही प्यार से किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम में हो, अभी आप इस साल तक कोई भी प्रॉब्लम में रहो, तो आप बहुत ही प्यार से निकल जाओगे. और शिफ्ट करना बहुत अच्छा रहेगा. अच्छा हाँ, ये उनके लिए था, जैसे अगर आप दो लाइक दो राहों पे हो, अगर आप किसी भी तरह के डिलेमा में हो, तो जो भी आपकी गट फीलिंग है उसके साथ जाइए. तो अगर आपको कहीं घर शिफ्ट करना हो, या जॉब स्विच करनी हो, या फिर आपको करियर में कोई भी चेंज ला रहा हो, मतलब किसी भी तरह का चेंज हो ना, तो आप बेझिझक उस चेंज को लाइए और एक्सेप्ट करिए. हाँ मतलब आप समझ रहे होंगे, मुझे वर्ड नहीं मिलता. हाँ तो अगर आप मतलब आपकी जो भी गट फीलिंग है ना, आप उसको सुने एंड उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लें. बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाली है नेक्स्ट ईयर, बहुत ज़्यादा. बस मैं एक ही टिप दूंगी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो किसी भी तरह की ना, अब तो अपने आप को फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए. कोई भी चीज़ अगर कोई काम नहीं भी बन रहा, तो उस चीज़ को फोर्स ना करें. एंड यस, ये नेक्स्ट ईयर बहुत 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 ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा. बहुत लोगों की लाइफ भी चेंज होने वाली है. ये जो वीडियो है, ये वीडियो कलेक्टिव्स के लिए, बोले तो बहुत कम लोगों के पास जाएगी, लेकिन जिनके पास जाएगी, एक तो प्लीज़ आप शेयर कर देना. हो सकता है किसी और लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.